कहाँ जा रही हो तुम अभी? जल्दी आना। हाँ जल्दी आओ ना डार्लिंग। जस्ट टू मिनट यार, प्लीज। कितनी देर लगा रही हो, जल्दी करो ना। उफ़ो। चल जल्दी कर। हाँ भाई जल्दी कर रहा हूँ ना। ए सिगरेट दे। भाई सिगरेट तो खत्म हो गई, एक ही थी। ए तुम में से भद्रा कौन है? ए तुम कौन हो भाई, सर फिरे हो क्या जो भद्रा भाई को पूछ रहे हो? हाँ क्या? ए नहीं ये तो चल चलो, अगर वो मिल गया तो काट के रख दूंगा। ए कांचा, कल तुमने जिस उल्लू के पट्टे को भेजा था उसने पैसे नहीं दिए, तू उससे पैसे दिला दे। कोई बात नहीं, चल चल। उसने नहीं दिए तो मैं दे दूंगा। अबे ये खाना। कौन है तू? तुम लोगों में भद्रा कौन है? ए, हमारे एरिया में आके हमारे भाई को पूछने लगे, तुम कौन हो? अभी बताता हूँ, कान खोल कर सुन लो, वो बचेगा नहीं। ए, दादा बनता है क्या? मुझे पहचानता नहीं? बहुत चर्बी है तेरे को, सर पे कपड़ा बांध लेने से कोई दादा नहीं बन जाता, समझे बच्चू? उसका पता बता दोगे तो छोड़ दूंगा। देखो छोड़ दो हमें, तुम्हें अभी हमारे बारे में पता नहीं है, हम भद्रा के आदमी हैं। जल्दी बोलो कहाँ है, वरना मैं तुझे इतने चटके दूंगा कि तेरे होश उड़ जाएंगे। हमें नहीं पता सर, हमें कुछ नहीं पता। बोल जल्दी बोल। वो कहाँ है पता नहीं, उसका नंबर पता है सर, 9343 7439। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर, मुझे छोड़ दो। ठीक है भाग यहाँ से। अब तक शहर में सेस हुई छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, स्टार होटल्स, पब्लिक लैंड्स, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, एक्सेप्ट दिस फैक्ट्री। ये भी कभी ना कभी मेरे कंट्रोल में आएगी, और बाकी के बचे हुए लालबाग नेशनल पार्क विधान भवन रंगा, बची हुई सॉफ्टवेयर कंपनीज। हाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज मतलब इंफोसिस, विप्रो। चुप करो, अब हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन उसी पर रहेगा। अगर वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाए तो ये भद्रा किसी से नहीं डरेगा, भद्रा जो बोलेगा वही होगा, भद्रा इज अ किंग। भाई भाई कोई आपको आकर पूछ रहा और हमें मार रहा है। भाई 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 कोई आके हमें मार रहा है? हाँ मार रहा है, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। भाई का नाम बताने पर भी मारा? बताने पे तो मारा। मेरे पैरों पर आकर गिर रहे हो, बोलते थे उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा, अब उड़ाओ उसकी धज्जियां, देखता हूं। आ, 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 आ,
भाई 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 मैं तुम्हारे साथ हूँ। अबे घोचू, ये गन है फिर हाथों क्यों तकलीफ दे रहा है? ठोक दूं? अरे रे रे रे, बोतल हो तो घटाघट पी जाना चाहिए, गन हो तो ठोक देना चाहिए, समझे? इधर देख। कौन हो तुम जो इन्हें कीड़ों की तरह मार रहे हो? आगे पीछे की सोचते नहीं? डर नहीं लगता क्या तुमको? डर? मेरा नाम सुनकर ही ये पेशाब करने लगता है, समझा? जो गुंडा होता है वो यहाँ वहां देखकर कभी टाइम वेस्ट नहीं करता है, वो सामने वाले को जान से मार देता है। मुझे जीना है तो मैं तुझे मारूंगा। नहीं नहीं, 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 नहीं मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता नहीं। तू कैसा डॉन है रे जो इस तरह गिड़गिड़ा रहा? तुम्हें जितनी दौलत चाहिए बोलो, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। मुझे बहुत सारा रुपए चाहिए। हाँ, जल्दी बोलो। तुमसे नहीं चाहिए। तुम कुछ भी मांग लो, मैं जो जो मांगोगे दे दूंगा। मतलब जो मैं मांगू दे दूं? तेरी जान चाहिए मुझे। तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है भाई? तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या? हम दोनों दुश्मन भी नहीं है, इससे पहले कभी मिले भी नहीं, फिर क्यों मारना चाहते हो तुम? बहुत सिंपल सी बात है, सुन। तुम डॉन हो। डॉन हूँ तो मार दोगे क्या? अगर मैं तुम्हें जान से मार दूंगा तो बहुत पॉपुलर हो जाऊंगा। मुझे मारोगे तो तुम पॉपुलर हो जाओगे। मुझे शहर आए हुए एक महीना हो गया, पॉपुलर होने के लिए बहुत तकलीफ उठाया, मगर नहीं हुआ। ना मेरा पुलिस बैकग्राउंड है, ना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और ना ही मनी बैकग्राउंड तो बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक ही चीज है, दिल, और बाकी सब कुछ तुम्हारे अंडर में है। तुम्हें मार दूंगा तो भाई 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 मेरी बात सुनो, जहां इतने लोगों को मारा है मुझे कौन सी बड़ी बात है मारना? अरे छी छी, बदन दर्द कर रहा भाई। भाई सत्यवती, राजलक्ष्मी, प्रभा देवी चलेगी? छी छी, इन सब में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। भाई मेरा असली नाम ही आइटम मामा है। भाई मिस रंभा, मिस मेनका, मिस उर्वशी को बुलाऊं क्या? भाई ये अच्छी बात नहीं। भाई, ओ, 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 भाई ए, भाई में
आजा दिल में समा जा, बाहों में आजा तू दिल में समा जा, अरे बाहों में आजा दिल में समा जा, बाहों में आजा तू दिल में समा जा। ते पर सिखा मैं भी तो हूँ बड़ा दिल वाला, मैं तो हूँ मस्ती में मंचल की बस्ती में मेरा दिल हुआ बेकरार। अरे अरे शबनम तू आग भी फूलों के बाग भी हो रहा मैं दीवाना। सेटल हो गया है वो हमारे एरिया में, तो उसको हमारे घर में रहना चाहिए। हाँ भाई। हाँ, अभी कितना ऊपर चढ़ना होगा, जब वो सिटी में नहीं रहता है तो हमारा कुछ भी काम नहीं होता, वो कहाँ से आया पता नहीं, मगर वो मेरा ही वारिस है तो वो मुझे अच्छा लगता है। क्या सब लड़के यहीं पे हैं? कैसे हो जॉन? नमस्ते भाई। हाँ ठीक तो हो ना? अंजी कहाँ पे? अंजी कहाँ पे बोल? ऊपर है भाई, वहाँ पे है। पाए लगू भाई। कैसे हो किट्टी, ठीक हो ना? और बोलो अजीत, तुम तक पहुंचते पहुंचते मेरे पैर कैसे हो भाई? लगे कुर्सी तो रखो रखो रखो। कैसे हो? बैठो भाई। बरखुदार ठीक तो है ना? मुझे क्या हुआ है, एकदम मजे में हूँ। आपको आने क्या जरूरत थी, मुझे बुला देते मैं आ जाता। कोई बात नहीं अजीत, तुम्हें पता मैं क्यों आया हूँ? तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए तो सोचा कि तुमसे मिल लूं और मिलके चला जाऊं, इसलिए। हे गुरुराज, गुरुराज अंजी को ढेर सारे रुपए दे दो ताकि त्योहार ठीक से मना सके। नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं अंजी, क्या देख रहे हो, निकालो ना जल्दी से। क्या अंजी, तुमको किसी को देखने के लिए बोलता हूँ तो तुम जला देते हो, उसको बात करने को बोलता हूँ तो मर्डर कर देते हो, ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारी खुशी के लिए मैं अंजी कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे पता है अंजी, तुम कहाँ से आए हो पता नहीं, मगर शहर में जो भी तुम्हें देखता पेशाब कर देता है, इसलिए हमारी एक्स पार्टी और पुलिस वाले की नजरें तुम पर ही हैं। सुनो, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से ना दूर जाकर के छुप जाओ, यही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, एकदम अच्छा रहेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो अंजी, शहर से थोड़ी दूर पर
100 एकड़ की जमीन है जिसकी कीमत 500 करोड़ से भी ज्यादा है, उसका सौदा करेंगे ना तो 500 करोड़ का फायदा होगा। ये डील अगर हो गई ना तो 50-50 हम दोनों बांट लेंगे, फिर ये कचरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से शहंशाह की तरफ बैठे रहना तुम। इस शहर को और तुमको छोड़कर मैं कैसे रहूंगा? अरे यहाँ पे क्या रखा है जी, ये जगह से भी अच्छी वो जगह है, वो तुम्हारी हो सकती है लेकिन कुछ दिनों तक तुम्हें वहाँ पे रहना होगा, वहाँ लोग रहने से घबराते हैं, तुम सेफ रहोगे। समझ गए ना तुम? अगर मुझे पैसा मिलेगा तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, डन। ए नीचे उतर के गेट खोल। ए उल्लू के पट्टो दरवाजा खोलो। ए क्या कर रहा है मामा? ए साला मुझे ही बोल रहा है। लेफ्ट राइट टेक इट पट्टो। अरे पता नहीं कौन सी चंचे से बांधा खुल ही नहीं रहा। देखो कैसे नहीं खुलता है मामा। अरे खुल ही नहीं रहा यार। खुलेगा कैसे नहीं? इधर ला बे, मेरी बियर दे। राइट राइट चलो। हाँ चलो भाई। क्या मेंढक की तरह घूम रहे हो? अंदर जाओ ना। तो बहुत सुंदर लग रहा है। अजी अंदर आ जाओ ना। जिंदगी में तुमने पहली बार अच्छा काम किया है जो इतनी अच्छी जगह पर ले आए हो। सुपर घर है मामा, मजा आ गया। मामा जब देखो तब तुम बीच बीच में आते रहते हो। बाथरूम में आओ, तुम्हारी खबर लेता हूँ। ए घर साफ करो, चले चल चल। अजीत ये घर तो मुझे लग रहा है भूतों का ही डेरा है, यहाँ होशियारी से रहना पड़ेगा। मैं जरा एक चक्कर लगा के आता हूँ। ए सुन रे, अकेले अकेले क्या पी रहे हो? हाँ तुम मुझे क्यों सताते रहते हो? तुम किसी भी एंगल से आदमी नहीं लगते हो, हमारे साथ कैसे है? क्या कहा? निकलो जाओ। पता नहीं क्या समझता है। पता नहीं क्यों, इस घर को देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे ये फिल्म आर्टिस्ट सतीश का घर हो। कुछ भी हो देख लूंगा। ये ले लो। दोनों मामा। ये ले लो। ए मामा, इतने सेक्सी अंदाज में ऐसी हरकत करोगे ये सब क्या समझेंगे? देखने दो, पता नहीं लड़कियों के देखे कितने दिन होंगे। देख लो देख लो देख लो। बट एक बात बताओ मामा, इस पर गुस्सा क्यों आता है? पता नहीं इस दरिद्री को कब अकल आने वाली है, यही सोच रहा हूँ। ऐसा क्यों?
तब मैंने तुमको क्या बोला? क्या बोला? तू क्या बोला मुझे ही बताना पड़ेगा क्या? तो कौन बताएगा? ये घर साफ करने के बाद क्या करने को बोला था मैंने? क्या करने को बोला था? अरे तेरी तो अब मुझे ही बताना पड़ेगा कि मैंने तुमको क्या बोला था। वहाँ देखो कौन है। कहाँ है वो? वो देखो तेरी तो भूत तुम्हें दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अरे कहाँ है मामा? बच्चा भूत ही था। मुझे भूत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे भूत नहीं से डर लगता है। हेलो जुबेदा, मास्टर आ गए क्या? ओके, तुम सब रेडी रहो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। नीला पैलेस। ओके। यज्ञा तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ? अरे पता नहीं क्यों, आज फ्लाइट 1 घंटे डिले थी। अच्छा अच्छा। हम शहर से बहुत दूर चले आए हैं ना? रुको ड्राइवर। जी सर। हाँ बाबा। हे कम कम, लेट्स गेट डाउन। हाँ हाँ, उतरो उतरो उतरो। ए जल्दी उतरना। अरे उतर रही हूँ ना यार। अरे तुम लोग भी बाहर आओ ना। आ रहे हैं, देखो तो कितनी अच्छी जगह है, चलो अंदर चलते हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर पंछियों की आवाज अच्छी रिकॉर्ड होगी। हाँ सच कह रही हो। वाओ ब्यूटीफुल लोकेशन है ना, बहुत सुंदर। हाँ अति सुंदर। चलते चलते मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे बहुत भूख भी लगी है। तुम लोगों को ही पेट है, मुझे भी तो भूख लगी है, बाद में चलेंगे, जल्दी करो। पहले सब यहाँ कर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो। हाँ हाँ, मुझे बहुत स्ट्रेन लग रहा है। स्ट्रेन? तुम्हें पता है मेरी उम्र कितनी है? कितनी? मैं 63 साल का हूँ, फिर भी मुझे स्ट्रेन नहीं होता। मैं अभी बहुत थक गई हूँ। अरे तुम भी वही बात बोल रही हो। सच बोल रही हूँ। तुम भी कुछ बोलो डार्लिंग। यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब यही स्टे करेंगे और हम सब यही खाएंगे पिएंगे भी। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही हम सब यहाँ से जाएंगे। ओके। ऐसी ड्रीम स्प्रिट, इंडिविजुअल स्प्रिट सब में होनी चाहिए। अरे पूजा डार्लिंग कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही है मुझे। ओके, कमान कमान पूजा डार्लिंग, कहाँ गई थी? आजो आजो आजो। अभी यज्ञा डार्लिंग के कहे अनुसार हम यहीं पे इसी जगह पे स्टे करेंगे, प्लीज कोऑपरेट हर। ओके ओके डियर, मैं तो थक गई हूं। अरे डार्लिंग ऐसे कहोगी तो कैसे चलेगा, हम सब मिल के काम करेंगे तो ही हमारा प्रोजेक्ट पूरा होगा, समझ गए ना? गेट अप। ओके ओके, जल्दी जल्दी चलो चलो। डोंट टच मी, आई एम नॉट 60, आई एम ओनली 16, अंडरस्टैंड? अभी तो मैं जवान हूँ, आओ मेरे साथ, आओ आओ, अभी तो मैं जवान। यार ज्यादा मस्ती करोगे तो गिर जाओगे। अरे अंदर से तो मैं से क्या आवाज आ रही है? गाड़ी रोको गाड़ी रोको। अरे चलो जल्दी उतरो उतरो उतरो। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी मेरी शादी नहीं हुई, इन लड़कियों के साथ डांस कर रहा हूँ और तुम कह रहे हो कि क्या कर रहे हो? ऐसे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। ए इधर आओ, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो, जाओ यहाँ से। अरे ये क्या? अरे अरे छोटू, हमारा सामान क्यों फेंका? हमारा सामान बाहर फेंकने वाला ये होता कौन है? मुंह बंद रखो मामा, इन्हें बाहर निकालो। देखो तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मैं कराटे जानता हूँ, स्टील बेल्ट हूँ। हाँ ए जोर से हवा आएगी तो तुम उड़ जाओगे, तुम कहाँ के स्टील बेल्ट हो? ए भिखारियों, मैं जैसे कहता हूँ वैसे उसको पकड़ो और मेरे कहे अनुसार इसकी समाधि बना दो। मामा इसको और इसके सब लोगों को इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हें यहाँ दफा करो। बच्चा मैं मानता हूँ कि ये सब वेस्ट बॉडी है, लेकिन इन चारों लड़कियों को यहीं पर रहने दो। ये घटिया ख्याल तुम्हें कैसे आया? मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। बच्चा एक बार सोच तो लो। अब बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, इन्हें इसी समय बाहर निकाल दो। बच्चा तुम जानते हो ना, इधर आओ। मैं लड़कियों की कितनी इज्जत करता हूं पता? Keep distance, they are all my girlfriend, my darling. Hey, मेरे सामने होशियारी मत दिखाओ, तेरी तो अरे क्या करे, छोड़ो। हेलो रुको 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 रुको। ए हेलो। ए तुम कहाँ से आई? बीच में मत बोलो। तुम्हें को हीरो कह रही हूँ। मामा
अरे कान अब बीच में मत बोलो, तुमने सच में मुझे ही रोका। तुम हॉलीवुड के हीरो जेम्स बॉन्ड की तरह लगते हो। क्या कहा, वो हीरो है? नहीं नहीं, मैं हीरो हूँ। थू, मैं हीरो। मामा ये तुम्हें बिस्किट डाल रही है, तुम जरा दूर ही रहना। मूर्खों का गैंग है। Hey, come on, tell me. मुझे अगर तुमको कोई मदद चाहिए हो तो बोल दो, मैं कर दूंगा। यस सर, एक्चुअली हम सब म्यूजिक कॉलेज के स्टूडेंट हैं। यहाँ परिंदों की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। तो इस जंगल के पास आपका घर देखा तो कुछ दिनों के लिए स्टे करना था, इसलिए हम लोग आ गए। शहर यहाँ से ज्यादा दूर है, अगर आप थोड़े दिन के लिए रुकने देंगे तो। आप बिल्कुल मत सोचिए, जितना पैसा कहेंगे हम उतना दे देंगे। पैसा? ये पैसा नहीं मांगेगा। डोंट वरी, फुल सेटल हो जाओ। नहीं 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 नहीं, यहाँ कोई नहीं रहेगा। ज्यादा बकवास करोगे तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा। ए, बच्चा अंजी से पंगा मत ले, समझ गया? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं क्या करूँगा पता है? क्या क्या कर लोगे तुम मेरा? क्या करूँगा बच्चा, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के रिक्वेस्ट करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके, कह दिया, ओके कह दिया बच्चे ने। थैंक यू सो मच हीरो। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को? चलो चलो अंदर, चलो अंदर चल के बताता हूं। चलो अंदर, चीटर है, तोपे मारता है, खुद ही चलो बताता हूं। चलो मजा करेंगे आज। जा रही हो? नहीं, कैसे लगते हैं अपने आप को? अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूं। इस स्टील बेल्ट को छोड़कर उस लुखे लेदर बेल्ट के साथ चली गई। हां क्या जमाना आ गया, मुझे भी जमाने के साथ चलना होगा। ते, ते, ते। सुनो ना डार्लिंग, कल तुम्हारा बर्थडे है ना, इन एडवांस हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। आपका बर्थडे था और आपने हमें बताया ही नहीं। अरे पहले बता देता तो मजा एकदम किरकिरा हो जाता, समझ गए ना? कम ऑन डार्लिंग, नॉटी बॉय, बर्थडे बॉय, नॉटी बॉय। जल्दी आना, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। ओके ओके, गो टू लॉन, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। ओके। अरे 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 अरे, छोड़ दो छोड़ दो भाई, क्यों मुझे मार रहे हो? अरे मत मारो, अरे मुझे मारो, क्या होगा? अरे छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अरे कितनी बेरहमी से मार कर चले गए, जरा भी रहम नहीं किया राक्षसों ने। अरे ए भगवान, अरे क्या करूं? नहीं, इस तरफ नहीं जाऊंगा। मास्टर जी जल्दी से बाहर जाओ। हाँ मैं आ रहा हूँ, बॉडी मसाज, बॉडी मसाज, वेट। Da 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 ni da da ni da na ni da na. Yeah, ये हॉलीवुड रेंज की ट्यून है।
हाँ ये ट्यून रात के 12 बजे मेरे दिमाग में आई, तभी मैंने रिकॉर्ड किया, पता है तुम लोगों को? 12 बजे रात में? सच कह रहे हैं? या ब्यूटीफुल ट्यून, अनदर ट्यून इज कमिंग, अनदर ट्यून द द द द द यू नो शंकर मैडम, आई गेट ट्यून सागर संगम संक्रा मैडम, इसी तरह एक और ट्यून मेरी बात सुनो। यू नो वॉट, जानते हो तुम लोग, रात को मैंने भूतों की आवाज सुनी। क्या तुम सच बोल रही हो? आई स्वेयर गॉड प्रॉमिस। ए, कैसे बातें कर रही हो? 21वीं सेंचुरी में भूत प्रेतों की बात कर रही हो? तुमने देखा क्या, उनके पैर सीधे थे या उल्टे थे? देखा तो नहीं है, पर मैं भूतों की आवाज रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तुम्हें सुनाती हूँ। हेलो, क्या हुआ, सुना क्यों नहीं रही? ओह शिट, बैटरी डेड हो गई यार। बैटरी डेड नहीं हुई है, तुम्हारा ब्रेन डेड हुआ है। चलो कॉम्पिटिशन स्टार्ट करते हैं। चलो कमॉन डार्लिंग। डियर फ्रेंड्स, तुम सबका फ्रेंड्स होने के नाते एक बात बता रहा हूँ, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए अमेरिका गया था। डेट्रॉइट, समझ गए तुम लोग? वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, ज्यादा ही पोज़ दे रहा है, वेटिकन सिटी और होनोलुलु। तुम्हारी जुबान को लगाम लगाओ, कितने सारी सिटी के नाम दोगे? मैंने ज्यादा नाम नहीं लिए, तुम्हें मिस्टेक हो रहा है, मेरे शिष्यों को मैंने फुल ट्रेनिंग दी है, अब देखो कैसे गाते हैं, कैसे डांस करते हैं, एंजॉय करो। दिया मैंने तुझको दिल दिया, लिया मैंने तेरा दिल लिया, जाना लिया मैंने तेरा दिल लिया। तू चुप कर, अरे इसको कोई गाना कहता है क्या? ये बेवकूफ गुरु और तू बेवकूफ चेला, क्या कह रहे हो? तू सुन बे साले, गांव छोड़ के चला जा, नहीं तो ऐसा झापड़ मारोगे कहाँ जाके गिरेगा पता नहीं चलेगा। ऐसा क्यों बोल रहे भाई, हमें डिस्टर्ब कर रहे हो? मामा ये सब क्या कर रहे हो? क्यों रहे? मेरे पैदा होने से पहले तुम इस दुनिया में आए वो तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने क्यों है? स्टेप्स है, इसको कौन स्नैक कहता है? ये सब बंद करो। तुम भी अजीब इंसान हो, कहते हो गाना मत गाओ, नाच गाना मत करो, खाना मत खाओ, कैसे इंसान हो, ये भी कोई बात हुई? हेलो, इतनी रात में किसका फोन होगा, किसने किया होगा, ये कहाँ जा रहा है देखना पड़ेगा। हाँ बोलो भाई। बोलो कहाँ आना है? हम लोग जहाँ मिलते हैं तुम्हें वहीं आना है। ठीक है, 10 मिनट पहुँचता हूँ। इस समय ये कहाँ जा रहा है, देखते ही देखते ये कहाँ गायब हो गया। क्या बात है, ये क्या कर रहे हो मामा, तुम भी सुबह सुबह पीना शुरू कर दिए। रात को जो मैंने 5 बोतल बियर चढ़ा ली थी ना, उसी का हैंगओवर उतारने के लिए, फिर भी नहीं उतरी, कितनी डुप्लीकेट होगी सोचो। लो तुम भी टेस्ट करो। इस तरह से इतनी ज्यादा शराब पियोगे तो एक दिन मर जाओगे मामा, कम करो। ए, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल के अनाथ पेशेंट की तरह इधर उधर घूम रहे हो, तुमको कोई काम नहीं है क्या? तू
जाओ बाथरूम साफ करो। अरे यारे मामा, इसे कहाँ पर भेज दिया आपने? हाँ लेकिन मारा क्यों? जो भी बात करनी है साफ साफ करो, वरना लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? रात को उसने बहुत शराब पी थी, वही खाली करने के लिए कहीं गया होगा। तुम टेंशन मत लो, फ्री हो क्या? उठो उठो, कहा ना इधर आओ। अब मुझे टेंशन मत दो, उल्लू का पट्टा आराम से पीने भी नहीं देता है। ये बियर पीकर ज्वाइनिस को दावत देने से अच्छा है कि मैं पेशाब भी पी लूं। रुको मैं लेकर आता हूँ एक बोतल। ए क्या, जल्दी रिकॉर्ड कर लो। ओके जस्ट अ सेकंड। ए रिकॉर्डर रखो। हाँ ओके मास्टर। इधर इधर इधर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ओके। लेकिन रिकॉर्ड तो होगा ना? हाँ होगा। आ जाओ आ जाओ, कम ऑन गर्ल्स। अरे आ रहे बाबा, कम ऑन। अरे वो खलनायिका हमारे आगे पीछे क्यों घूम रही हो? मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम दोनों को ढूंढ रही हो। हमें क्यों? शादी के लिए। इस वेस्टपोर्ट की शादी ना तुम उससे करवा दो। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, इन दोनों में से किसी एक को एडजस्ट कर लूंगा। इनमें से? इनमें से किसी से भी शादी करोगे तो तुरंत मर जाओगे समझो। रिकॉर्ड के साथ वीडियो शूट भी करूंगी।
एक बात बताओ, तुम्हारे सारे फ्रेंड डर कर भाग गए, तुम क्यों नहीं गई? नहीं, नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम्हें जान प्यारी नहीं है? मेरी जान से ज्यादा मुझे प्रोफेशन प्यारा है। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता। इसको पूरा करने के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आओ चलते हैं। कहाँ है वो भूत? दरवाजे के पास। अरे भूत तो कुछ नहीं होता। मैं झूठ नहीं बोल रही, भूत है। ए, बोल रहा हूँ ना, भूत नहीं होता है। भूत है जी। अरे, हाँ। बोल रहा हूँ ना, भूत नहीं होता है। भूत 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 भूत। चलो उठो, चलो देखते हैं कहाँ है भूत। चलो मेरे साथ चलो। नमस्कार। ये है क्या? इसका नाम करियर है। ये यहाँ दूध देने आता है। शहर यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से यही यहाँ सामान लाता है। जाओ जाओ जाओ, जाके दूध ले लो। मैं नहीं जाऊंगी। देख क्या रही हो, जाओ यहाँ से। हाँ जी, एक बात पूछू? हाँ पूछो। तुम गुंडों की तरह क्यों रहते हो? क्या मतलब? तुम टेंशन में क्यों रहते हो? पढ़ाई लिखाई करके, अच्छा बिजनेस करके, एक सुंदर लड़की से शादी करके तुम खुशी खुशी क्यों नहीं रहते? मेरे बारे में सोचकर दिमाग खराब मत करो। तुम जाओ यहाँ से, खींचो फोटो, फोटो जाकर खींचो। मिलता हूँ। मुझे मुझे कुछ नहीं पता। जाने दो मुझे, मत मारो, मत मारो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो, जाने दो, छोड़ दे मुझे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ सर? वो पागल है, मुझे काट लिया। ठीक है, डॉक्टर के पास जाओ। हाँ ठीक है। पगली, यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। आखिर गई कहाँ? Thank you.
मैंने तुम्हें बोला था ना घर से बाहर मत निकलना, बोला था ना? वो मुझे आने में देरी होती तो पता है तुम्हारा क्या होता। वो वॉइस। चुप चुप करो, चलो मेरे साथ।
झूमे झूमे मेरा मन बिंतहा हो गई मेरी जिंदगी इकरार हो गया मेरा तुझसे इंतजार में तेरे प्यार में एतबार में बेकरार में हो गया हा, हा, हा। ले 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 मुझको अपनी बाहों में तू ले ले मेरे साथिया आजा जा 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 मेरी बाहों में तू आ जा मेरी जानिया उतरो घर आ गया सुपर ड्रीम इसके अलावा तुम्हारे पास काम ही क्या है उतरो गुस्सा क्यों करते हो राजा ए चल चल जल्दी उतर कैसी पागल लड़की से पाला पड़ा है मेरा चला गया तो क्या हुआ जाने वाला चला गया तुम क्यों अपना दिल छोटा कर रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो तुम वहां मत जाओ चाहे जितना पैसा चाहिए कोई भी जाए मुझे तुम्हारी जरूरत है ए गुरुराज आज से अंजी यहीं रहेगा इसका ख्याल रखना भाई मैं चलता हूँ ओहो क्यों जिद पे अड़े हो अंजी कहाँ जाओगे तुम फार्म हाउस
अजीत मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ भूतों का डेरा है, समझाओ ना इसको। मेरी एक बहुत बुरी आदत है, प्रॉब्लम को देखकर मैं कभी भागता नहीं, मैं प्रॉब्लम को ढूंढकर ही खत्म कर देता हूँ। दौलत कमाने के लिए तकलीफ तो उठानी ही पड़ती है, मैं प्रॉपर्टी को पाने के लिए आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आता हूँ। इसको बोलते हैं असली मर्द, शेर है शेर। ए, दरवाजा से क्यों पीट रहे हो? पागल हो गए क्या? दरवाजा तोड़ना है? दूध दूध यहीं रुको, अभी आती हूँ। और क्या है? सब्जी। दो। जीत को बिना और कोई नहीं मिला क्या? Gumsum
का क्या संबंध है? कुछ तो गड़बड़ है। सब्जी ले लो, आलू है, टमाटर है। इसको क्या हो गया? ए भाई क्या हुआ? उठो जल्दी उठो। हेलो इधर आओ भाई, उधर सुलाने में मेरी मदद करो। अरे जाओ यार, हमारे कामों से ही हमें फुर्सत नहीं है। ए भाई मुझे गाड़ी आगे ले जानी है, उठो तो। ये ठीक है, छोड़ो यार। अरे जरूरत का पानी, अरे मर जाएगा, क्या करूंगा इसका? मुझे ले जाने दो ना। ए भाई उठो उठो ना। अरे भाई जल्दी उठो, ऐसे नहीं उठेगा, पूरा डाल देता हूँ। उठ गया। क्यों जगाया मुझे? क्योंकि तुम सो रहे थे। कंफर्म। मुझे क्यों मारा तुमने? मर जाएगा इसलिए उठाया। मर जाऊंगा? हाँ मैं। कितनी तकलीफ उठा के, कर्ज लेके, शराब पी मैंने, ताकि ऐश्वर्या राय मेरे सपनों में आएगी, और जैसे वो आई तुमने डिस्टर्ब कर दिया। ए उठ उठ जल्दी उठ, अभी देख के हालत करता हूँ, अभी दिखाता हूँ। अभी बताता, इधर निकाल क्या रखे? अरे थोड़ा तो रहने दे। चल नहीं तो आज के बाद अगर तूने जगाया तो मैं तुझे सुला दूंगा। छोड़ दे भाई, मैं ऐश्वर्या के साथ डांस करूंगा, हनीमून मनाऊंगा। इस बार छोड़ दिया कि नहीं छोड़ूंगा? बहुत भलाई करने चले थे, हो गया ना तुम्हारा, कर दिया ना कचरा। अरे काय को इन बेवड़ों के चक्कर में पड़ते होते, ऐश्वर्या के चक्कर में दारू पीता है। जाओ बाबा जाओ, दूसरों के काम में टांग अड़ाने से ऐसे ही होता है। शराब पीने से शराब मिलती है। तुम मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही हो? उसने कहा कि ऐश्वर्या मिलती है पीने से, इसलिए ठेला बेच के शराब पी ली। शराब खत्म होने को आई और तुम दिखाई नहीं दे रही हो। ऐशु ऐशु, ए कौन है ये ऐशु? ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय मेरी प्रेमिका। कौन है वो? ऐश्वर्या राय कौन है पूछ रही हो? मुझे तेरा खाना नहीं चाहिए, जाओ। ठेला कहाँ है रे? क्या ठेला बेच दिया? तुमने क्या पी रखा है? शराब पी। किसने बोला पीने के लिए? वो बोला शराब पीने से ऐश्वर्या राय मिलती है इसलिए पी। कौन है वो बता? वही जो मुझे रास्ते में मिला था। ओ, रास्ते में मिला था। ऐश्वर्या राय से शादी करूंगा और फिर ऐसे डांस करूंगा। ये डॉलर डॉलर डांस करेगा? तरह दिखाती हूँ, रुक जा। डॉलर डॉलर डांस करेगा? डॉलर 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 तुम्हारी भाई तो मेरा डांस मिक्स हो गया, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। आई वांट टू आश यू। तुम्हें ऐश्वर्या चाहिए तो ऐश्वर्या ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। स्टॉप। आश यू माय डार्लिंग, गाड़ी बेच डाली, पैसे बर्बाद किए, शराब पी डाली, फिर भी ऐश्वर्या को नहीं भूला। Thank you.
बाद में फोन करता हूँ। ठीक है सर। अजी कैसा है तू? तुम अब भी नहीं बदले। बदलूंगा कैसे, पहले तू सिगरेट तो पिला। बकवास मत कर, अंदर चल के बात करते हैं। अंदर चल। क्या चल रहा है आजकल? ऐसे ही, कुछ खास नहीं है। और बाकी आजकल क्या खास चल रहा है? कुछ खास नहीं यार। अच्छा ये बता, यहीं सेटल होने का इरादा है क्या? तुम्हारा दोस्त हूँ, शहर छोड़ के तुम्हें काफी समय हो गया है। दोस्त हूँ तुम्हारा इसलिए मिलने आ गया। वो हुआ यूं कि शहर छोड़ के तुम्हें काफी समय हो गया है, तुम यहाँ सेटल हो गए हो तो जरूर कुछ खास है बेटा। कॉफी। ओ कॉफी। ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है। नमस्कार। थैंक यू। तुम यहाँ क्यों सेटल हुए हो मुझे अब पता चला। क्यों? यही कि तूने मुझे बताया भी नहीं और चोरों की तरह शादी करके यहाँ पे आके सेटल हो गया। मुझे एक बार भी कहा होता तो मैं तुम्हारे लिए शानदार पार्टी अरेंज करता। हेलो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक शानदार पार्टी दे सकता हूँ। मेरी बात तो सुन। अरे यार बात तो सुन, अगर तू बोल तो मैं तेरी बीबी को मनाऊ। कॉफी के लिए थैंक्स। मैं अभी आता हूँ। क्यों बाहर ले जा रहा है मेरे यार? मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या पूछना है? सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत है, ये कहकर मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। तुम क्या कहते? अरे तुम ही बोल दो ना यार। मैं बोलूंगा तो तुम बोलोगे कि बहुत बोलता है। फिर भी बोलना। आज के जमाने में भी कोई कहे कि भूत है, मैं तो कभी नहीं मानूंगा। लोग चाहे किसी भी दौर के हो, सब लोग मानते हैं कि भूत प्रेत है और विश्वास भी करते हैं मेरे भाई। मतलब तुम भी विश्वास करते हो? 100% बाबा, मैं अकेला ही नहीं, सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भी विश्वास करो। वो क्यों? क्योंकि सभी लोग भगवान को मानते हैं। ये बात सभी को पता है, इसलिए इसको मानने वाले बहुत लोग हैं। सभी भगवान को मानते हैं ताकि वो उन्हें भूत प्रेतों से बचाए। शैतान को दूर रखने का भी हम लोगों के पास एक रास्ता है। सुनो, ये मुसलमान भाई लोग भी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं, जानते हो क्यों? ताकि वो शैतानों से उनकी हिफाजत करे। इसी तरह हिंदू लोग भी भूत प्रेत पिशाच से डरते हैं। डर को भगाने के लिए कुछ लोग यज्ञ करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं और मंत्र भी पढ़ते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। मालूम है क्यों? क्यों? इसलिए कि भगवान सबकी रक्षा करें, ये भूत प्रेत पिशाच से हम सबकी रक्षा करें। इसका मतलब ये कंफर्म है कि भूत होते हैं? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। सुन, एक बात पूछू क्या? भगवान है ना? अगर भगवान है तो समझो शैतान भी है। कंफर्म है ये? कंफर्म कंफर्म कंफर्म। चलो, भूत को मैं नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। मैंने जितनी दारू पी थी सब उतर गई। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, मैं शराब पी पी के बर्बाद हो रहा हूँ। उस शराबी के ख्वाबों में आती हो जो रोड पे सोता है, और मेरे ख्वाबों में क्यों नहीं आई? और भी ज्यादा पीऊं क्या? ओके। तू यहाँ बैठ के दारू पी के बहुत मजा मार रहा है क्या? मजे के लिए पैसे नहीं है सच में। तो तेरी गाड़ी कहाँ गई? गाड़ी उसे तो बेच कर मैं शराब पी रहा हूँ ताकि ऐश्वर्या राय मिले। तो ठीक है, घर के डॉक्यूमेंट्स दे दे। अरे घर के मालकिन के पास जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स उसी के पास तिजोरी में पड़े हुए हैं। तो फिर तेरे पास क्या है? अभी मेरे पास सिर्फ शराब है, बाकी कुछ भी नहीं। भाई इसकी बीवी एकदम झकास है भाई, उसको बेचेंगे तो बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। अच्छा आइडिया है। ए इधर आओ, इधर आओ, ऐसा मत करो, मेरी बीवी है। तो मैं क्या करूं? ए मेरी बात सुन, इधर आ। तू एक काम कर, जो अंदर है उसे लेके चले जा, जिससे तुम्हारा कर्ज ज्यादा हो जाएगा, समझा? ऐसा ही करता हूँ, अभी देखता हूँ अंदर क्या है। पिचका, 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 पिचका,
तुम्हारे पास थोड़ी सी भी अकल नहीं है क्या? क्या रे? कर्ज अदा करने के लिए कोई अपनों को गिरवी रखता है क्या? देख, एक काम कर, सुन, जो अंदर है तू भी उसे लेके जाओ, तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। जा जा। ए, जा ना। अरे ए, क्या कह रहे हो? चल आ? मैं लेके चलता हूँ। क्या कह रहे हो? अरे चल तो। अरे मुझे बेचने आया था ये रहा, दूसरा इसे भी ले जा। आ, ला, ला, इसको भी ला। ए, तुझे रुपए चाहिए था ना, ये ले पकड़। अरे नहीं, तेरे पैर पड़ता, मुझे पैसे नहीं चाहिए, चल निकल रे बाप। रुक रुक, आ जा रे। तुझे भी पैसा चाहिए था ना, ये पैसे ले लो और मुझे जाने दो। ये लो ये लो, मुझे जाने दो मेरे बाप, मुझे जाने दो। रुक ना, पैसा लेके जा। ऐश्वर्या, मैंने ठीक कहा ना? क्यों रे फिर से ऐश्वर्या? मैं तो तुम्ही को बुला रहा था, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तुम मेरे ऐश्वर्या हो और मैं तेरा अभिषेक हूँ। ओके, इसे इसको पहचानती हो तुम? हाँ मैं पहचानती। इसके बारे में बताओ मुझे। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, अंदर बहुत मुझे जीना। तुम्हें हुआ क्या है? चलो मेरे साथ अंदर, डरो मत। आओ मेरे साथ, आओ पार्टी। मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। आखिर क्या देखा तुमने? मैं नहीं रहूंगा, क्या भूत है, मुझे जीना है, मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो, जाता कहाँ है पार्टी? यज्ञा, 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 दिल नशी ये कहानी मेरी, दिल नशी ये जवानी मेरी। एक तू जान
कहानी मेरी, दिल नशी ये जवानी मेरी। बैठा है जैसे कि कुछ जानता ही नहीं, सभी कामों में माहिर है सिवाय मुझसे बात करने में। हाँ बोलो। कुछ नहीं। ओके। ए जीत, मुझे देख के तुम्हें क्या लगता है? कुछ नहीं लगता। कुछ भी जाहिर नहीं करते, चोरों की तरह मुंह बना के रहते हो। कैसे बात करूं ए जीत? बोलो। मैं तुम्हें जितना बुरा समझती थी ना, तुम उतने बुरे नहीं हो। मतलब? You are a good boy. ऐसी बात नहीं है, वैसे मैं बहुत बुरा हूँ। पर मुझे तो नहीं लगा। तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, इसलिए तुम्हें सब अच्छे लगते हैं। देखो जीत, तुमने मुझे अच्छी लड़की समझा, ये मेरे लिए अच्छी बात है। आपकी ये अदा मुझे बहुत पसंद आई, तुम्हारी इस अदा की मैं फैन हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब से तुमसे प्यार करने लगी हूँ। आई थिंक आई फॉल इन लव। आज 1 अप्रैल नहीं है जो तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। रियली रियली आई लव यू। हेलो, तुम जोक बहुत अच्छा कर लेती हो। क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? इसे मैं ही मिला था क्या सुबह से? बड़े अजीब लड़के हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम। ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये किसी और की नहीं, मेरी है। तुम्हारी? तुम्हारी? और मुझे यकीन करना होगा। यकीन करना होगा। अगर ऐसा है तो तुमने ये प्रॉपर्टी किससे खरीदी? अरे अरे वो अरे अरे क्या नाम था उसका? अरे ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं है, मुझे अच्छी तरह पता है। ए, 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 तुम क्या कह रही हो? यस,
ये प्रॉपर्टी श्रीनिवास बहादुर नाम के जमींदार की है। टोटल 100 एकड़ जमीन है। उनकी बीवी का नाम याग्ना है। श्रीनिवास बहादुर का इकलौता एक बेटा है राजा राम बहादुर और उनकी बीवी श्यामला, दोनों एक कार हादसे में मारे गए। उनकी एक इकलौती बेटी है। इस प्रॉपर्टी की वो इकलौती वारिस है। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? एक और शौक दूं तुम्हें? ये अग्ना और कोई नहीं, मैं ही हूँ। रियली? इस प्रॉपर्टी के ओनर मैं ही हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? डॉक्यूमेंट देखो। मुझे पता चला कि हमारी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया है, इसलिए इस तरह मैं यहाँ आके सेटल हो गई। बट तुमसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम गुंडे हो कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगी। तुम्हारी इच्छा के अनुसार ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, लेकिन तुम्हें गुंडागिरी छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारा क्या कहना है? ओफो, कहाँ चला गया इडियट? अंजी कैसे हो? बैठो बैठो। ए अंजी के लिए चेयर लाओ। चेयर लाना रे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कैसे हो अंजी? क्या समाचार है? ठीक तो है ना भाई? मुझे लगता है पहली बार हमारा पासा उल्टा पड़ा है। इस बार हम लोगों ने गलत कदम उठाया है। क्या बोल रहे हो अंजी? तुम्हें पता है भाई वहाँ क्या हुआ? तुम तो कहते थे उस प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है, ऑनर का पता नहीं है, प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। और कोई लड़की आकर कहती है प्रॉपर्टी मेरी है और डॉक्यूमेंट्स हाथ में थमाती है। चेक किया तो डॉक्यूमेंट्स एकदम पक्का। वो सब देखकर तो मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया। ए हाथ हटा बे। क्या बोला अजीत? उस प्रॉपर्टी का कोई ओनर है, उसके नाम से डॉक्यूमेंट्स है क्या? ये कैसे हो गया? अरे अजीत, उस लड़की के आगे पीछे कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति है क्या? पता करो। अगर है तो उन दोनों में उसका क्या संबंध है? उस लड़की का गेम बचाएंगे तो कैसा रहेगा? उसका कोई बैकग्राउंड है क्या? अब फिलहाल उसका बैकग्राउंड मैं ही हूं। ये क्या बोल रहा है तू? भाई अब ये प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी, बाकी किसी का चांस नहीं। वो कैसे? वो लड़की थोड़ी पागल है। उसका कहना है कि उससे शादी करूंगा तो प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगी, क्योंकि वो मुझसे लव करती है, प्यार करती है भाई। समझ गए ना? अच्छा, वो तुमसे प्यार करती है? वो सुंदर है क्या? एकदम सुंदर, अति सुंदर। इस मौके को हाथ समझ जाने दे। कर ले डील, प्रॉपर्टी तुझे मिले या मुझे बातें किए, कर ले डील। भाई वो लड़की अकेली है, मुझे जाना होगा। पैसा जितना चाहिए लेके जाना। उसकी कोई जरूरत नहीं, उसके पास बहुत पैसा है। तुमको चाहिए तो ला कर दे दूंगा, जब चाहिए मिल जाएगा। मेरा अजीत हिम्मत वाला ये पता था, लेकिन इतना हिम्मत वाला पता नहीं था। शांति से काम ले भाई, शांति से काम ले। अजीत, इस घर की कोई भी चीज छूने से डर लगता है। आईना है। भगवान रक्षा करना, रक्षा करना भगवान। अब
अरे बाप रे, मैं ये सब कुछ क्या देख रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मैं यहाँ से भाग ही जाता हूँ, फिर बच सकता हूँ। मामा तुम कहाँ? मैं आठवें माले से बोल रहा हूँ। क्या, आठवां माला? हेलो मामा।
साथ हमेशा रहूंगा माया माया मैं तुमसे एक बात वन गुड न्यूज शादी का कार्ड शादी माया वेट्स नरेंद्र माया माया प्रिंटिंग मिस्टेक है राज की जगह नरेंद्र का नाम छपा ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं देखो करेक्ट छपा है मैं माया माया ये कार्ड वेस्ट है सब बेकार है फेंक दो इसको ये तुमने क्या किया माया मैं तुम्हें नौ साल से प्यार करता हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ मेरा पीछा छोड़ो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है माया प्लीज माया माया हम लोग पार्क में बैठ के कितनी बातें करते थे तुम सब भूल गई क्या माया माया कुछ कहो माया आई लव यू माया आई डोंट लव यू मैन माया एक मिनट मेरी बात सुनो माया मुझे माफ करो माया मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ माया मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ माफ करो माया 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 हनीमून मनाने के लिए इतनी दूर लेकर आए हो तुम्हें शर्म नहीं आती शादी की है तुमसे शर्म कैसी इतनी दूर लाए हो कोई बात नहीं ये जगह वाकई में बहुत सुंदर है देखो चलो अरे कहाँ जा रही हो रुक जाओ छोड़ो भी ना मैं आ गया माया तुम यहाँ कैसे हाँ माया माया तुम जहाँ रहोगी वहीं में रहूँगा ना मैंने आने से मना किया जाओ यहाँ से माया तुम मेरे साथ चलो मेरे साथ रहो चलो मेरे साथ चलो मुझे नहीं चलना माया एक बात सुनो माया तुम हमेशा के लिए मेरी हो तुम उसके पास नहीं जाओगी तुम चाहो तो मैं उसे मार दूंगा चलो मेरे साथ चलो चलो माया मैंने कहा चले जाओ मेरी माया से ही शादी करेगा हैं? मैंने मार दिया माया जिंदा जला दिया उसको माया 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 देखो माया मैंने उसे मार दिया उठो माया 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 लोरी सुनोगी जू 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 ठंड लग रही है एक मिनट में आया माया ए लो माया लाइट जल रही है अभी बंद करता हूँ ठंड लग रही है लो ओढ़ लो मेरी माया अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहीं रहूंगा आई लव यू तुम उसे प्यार मत करना मुझे करना मैंने उसे मार दिया है मार दिया माया मैंने उसे खत्म कर दिया तुम मुझे प्यार करना तुम मेरे पास ही रहना माया तुम कहीं मत जाना माया माया तुम आराम से सो जाओ ओके माया ये कौन है ये लो तकिया लगाओ माया माया मैं कहीं नहीं जाऊंगा
शालिनी खन्ना फ्रॉम पंजाब रिपोर्टिंग सर। गजेंद्र अलियास करिया रिपोर्टिंग सर। गजेंद्र सिंह चौहान रिपोर्टिंग सर। पीके कोठारे रिपोर्टिंग सर। सर अंजन कुमार एसआईबी रिपोर्टिंग सर। ओके प्रोसीड। विल एक्सप्लेन यू सर। इस ऑपरेशन के मुताबिक डिपार्टमेंट के वांटेड लिस्ट में जितने भी चोर चक्के मवाली बदमाश गुंडे और डॉन थे उन सबको चुन चुन के उन सबका सफाया कर डाला। शहर से सारी गंदगी दूर हो गई। अब जनता चैन से रहेगी। नाउ लेट मी कम टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस यगना हाउस में राज नाम का आदमी कई वर्षों से रहता था जो मेंटली डिस्टर्ब था, पागल था। एक्चुअली ये राज माया नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। वो भी उससे प्यार करती थी मगर माया ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली। ये बात राज से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने पेट्रोल डालकर उसके पति को मार डाला। इत्तेफाक से उस हादसे में कुछ ऐसी गलती हुई कि माया भी मर गई। माया की मौत से उसे इतना गहरा सदमा पहुंचा कि उसने मानसिक संतुलन खो दिया। ये भी होश नहीं रहा कि क्या हो रहा है। हर बात से बेखबर कई वर्षों तक वो इसी हाल में रहा। द मोस्ट डेंजरस साइको मैन, द सेम पर्सन। कई वर्षों तक वो माया के शव के साथ रहा। लाश हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गई। उसके बाद भी माया की हड्डियों में भी उसे अपनी मरी हुई लवर माया दिखाई देती थी। इसलिए वो मन ही मन में इस घर को अपना प्रेम मंदिर समझने लगा। कोई यहाँ पर आकर उसके प्यार के मंदिर को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए वो सबको मार देता था। इसलिए इस फॉर्म हाउस में जो भी रहने के लिए यहाँ आए सिर्फ वही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को भी वो जान से मार डालता था। सर हमारी छानबीन के मुताबिक यहाँ सिर्फ 4 ही मर्डर हुए हैं। इसलिए इस बात का फायदा उठाकर शहर का सबसे बड़ा गुंडा जिसका नाम है वर्धराज, वो जब किसी का कत्ल करता उसकी लाश लाकर हवेली में डाल देता था। उसने मोहनी नाम के एक लड़की को भूत बना दिया इसलिए कि इस जगह भूत प्रेत रहते हैं, ये उसने प्रूव कर दिया। ये ढोंग रचाकर वो प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता था। इन सब बातों का राज मुझे उस वक्त पता चला जब उस आदमी की नजर मुझ पर पड़ी। इसलिए उसने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मुझे मार नहीं सका। गुड मिस्टर अंजन कुमार, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। ऑफिसर लेट्स गो। जीत। आजा। मुद्दई लाख पर अच्छा है तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।